अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप एंड प्रे कि जहाँ कहीं भी हो आप बिल्कुल खैर खैरियत से हो, अपने प्यारों के साथ मजे से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। इस वक्त मैं अपने किचन में मौजूद हूँ, लेकिन मैं आज आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही, बल्कि एक बहुत जबरदस्ती रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। गर्मियों में होता यह है कि स्किन बहुत टैन हो जाती है, और खासतौर पर मेरी तरह से जो खवातीन हज़रत ड्राइव करते हैं उनके हाथ और इतने इतने बाजू भी बहुत टैन हो जाते हैं, चेहरे पे भी ज़ाहिर असरात आते हैं, उसको दूर कैसे किया जाए। तो आज मैं अपनी बहन से डिस्कस कर रही थी, तो उसने मुझे कुछ घरेलू छोटे छोटे टोटके बताए जो कि घर की चीजों से बल्कि किचन की चीजों से बन जाते हैं और आपकी स्किन टैन को खत्म कर देते हैं। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें जितनी भी चीजें वो किचन में मिल जाएंगी। आए जरा, मैंने एक ट्रे बना के रख ली है, आपसे भी शेयर करती हूँ कि क्या है। ये देखिए जी, बेसन निकाला है मैंने एक बाउल में, ये नमक मौजूद है, ये हल्दी है, ये दही है हमारे पास बाउल में, आधा कटा हुआ टमाटर है, और ये दो तीन लीमू है। लीमू आजकल ना बहुत ही महंगे हो गए और इसी किस्म के मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इन सब चीजों को करना क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। किचन से हम जरा लाउंज में चलते हैं, जरा सुकून से बैठ के रेमेडी जो है मैं भी आजमाऊं और आपको भी दिखाऊं कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। मैं सारी चीजें लेके इस वक्त लाउंज में बैठ गई हूँ ताकि जरा सुकून से आप लोगों को दिखाया जा सके कि क्या स्टेप्स हैं। बेसिकली दो स्टेप्स हैं, एक तो वही जो मैंने आपको बताया कि हाथ देखे ना ड्राइव करके कैसे डिसकलर हो जाते हैं, और बल्कि राइट और लेफ्ट हैंड में भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है। तो ट्राई करते हैं ये रेमेडी कैसी है। ये मेरे कोहनियों तक बाजू का रंग काफी फर्क हो चुका है, ये देखिए। तो इसके लिए हमने करना ये है कि मैंने ये बाउल में नमक निकाला था, इस नमक में हमने लीमू ऐड करना है। लीमू को काट के हम इसी में ऐड करेंगे। अगर किसी की स्किन को एलर्जी है, नमक से सेंसिटिव स्किन है, ख़राब हो जाती है, तो आप नमक की बजाय चीनी ऐड कर लेंगे। लेकिन जितना अच्छा स्क्रब जो है वो इससे होता है और स्किन की टैनिंग ख़त्म होती है, वो किसी और चीज़ से नहीं होती। तो ये नमक है, नमक के अंदर हमने लीमू को अच्छी तरह से निचोड़ लेना। ये देखिए मैं लीमू को निचोड़ रही हूँ। लीमू में भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, और जो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, टैनिंग हो जाती है, उससे बहुत हद तक ये कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन में आपका टैन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप इसको हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये ख़वातीनों हज़रात दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो ये मैंने लीमू इसमें अच्छी तरह निचोड़ लिया है। इसके बाद करना क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मिक्स कर लें आप इसी तरह से, ये ऐसा सा बन जाएगा। और आपने इस तरह से अपने हाथों और बाजुओं पर इसको स्क्रब की तरह से करना है, ऐसे 2 से 3 मिनट आपने इसको, ये जो लीमू पानी कह रही हूँ, लीमू का जूस और इसमें जो नमक ऐड किया है, इस तरह से आपने अपने हाथों और बाजुओं पे स्क्रब की तरह से मलना है। एक तो इससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और दूसरा टैन भी आपका रिमूव होगा। और फिर मैं बता दूं कि जिन लोगों को थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है सॉल्ट से, वो इसमें शुगर यानी कि चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये हाथों और बाजू पर तो हमने लगा लिया, तो चेहरे का क्या कसूर था, उसके लिए हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। तो वो जो आपने देखा था कि आधा कटा हुआ टमाटर जो है मैंने रखा है, वो हम चेहरे पे लगाएंगे। इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और जो 3 से 4 मिनट बचे हैं उसमें इस टमाटर को चेहरे पे लगाएंगे। क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए आप लीमू और नमक एक साथ लगाएंगे तो वो आपकी स्किन के लिए ख़राब हो सकता है। तो आधा कटा हुआ टमाटर है, इसको आपने यूं यूं करके स्किन पर रब करना है। फ्रिज में रखा हुआ था तो ठंडा ठंडा भी है, इस तरह से आपने रब करना है। 3 to 4 मिनट्स जो हमने बाजू और हाथों को लगा के छोड़ दिया है, अब हम चेहरे पे टमाटर का जो जूस है, वो भी बहुत अच्छा होता है, टैन को ख़त्म करता है,
और आपकी स्किन को बेहतर बनाता है। और ये सेंसिटिव स्किन वाले भी आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि ये कुछ स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो 3 से 4 मिनट जब तक हमने हाथों पे ये लगा रहने देना है, नमक और नींबू का मिक्सचर, उस वक्त तक हम स्किन पर टमाटर को इस तरह से मल लेंगे और उसके बाद हम इसको स्किन पे लगा हुआ छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चेहरे पे भी मैंने जो टमाटर को लगाया था रब किया था और इस तरह से बाजुओं पे भी ये ड्राई हो चुका है। अब आपने इसको वॉश कर लेना है साफ और ठंडे पानी से। मैंने अपने पास स्पंज रखा हुआ है, मैं उसी से साफ कर लेती हूँ। मैंने अच्छी तरह क्लीन कर ली अपने बाजू को, ये देखें थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है। अभी एक स्टेप और बाकी है और चेहरे को भी साफ कर लेंगे। आपने वॉश करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की खातिर अभी वॉश नहीं करी लेकिन ठंडे पानी से साफ कर रही हूँ। स्किन तो मुझे नीट लग रही है, फेस की स्किन नीट लग रही है और हाथों के टैन में भी कुछ फर्क महसूस हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमने एक मास्क तैयार करना है जो कि बाजू पे भी लगाना है और हाथों पे और साथ ही साथ फेस पर भी लगाना है। वो इक्वली अच्छा है आपकी सारी स्किन के लिए। उसमें हम नींबू भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं दही ऐड करूंगी क्योंकि बाजू का स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, तो दही में भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके टैन को ख़त्म करती हैं, आपकी स्किन को बेहतर करती हैं। तो ये देखिए जी, बाउल लिया, उसमें हमने जो बेसन निकाला था 2 चम्मच हमने बेसन के डाल लिए, देखें। अगर आपको कम लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये बड़ा चम्मच है तो इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2 ही चम्मच इसमें हम दही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही वो थिन बने मास्क, ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा थिक हो ताकि आपके फेस पर स्टे करे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। मुझे दही थोड़ी सी कम लग रही है, मैं दही और ऐड करूंगी। इसको हम लगा लेंगे हाथों, बाजुओं और चेहरे पर। पहले हम इसको चेहरे पर लगा लेते हैं। हल्दी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। आप इसको नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए क्योंकि हम लोग अक्सर नेक को इग्नोर कर देते हैं तो फिर बाजू का फेस की स्किन क्लीन लगती है और नेक नहीं लग रही होती। उसके बाद इसी तरह हम हाथों पर अप्लाई करेंगे। आप इसको पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टोटका मैंने आपको बताया है पाँव के टैन के लिए भी ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि हाथों, चेहरे और बाजुओं के लिए है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। अब इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फेस को भी बाजुओं को भी। और ड्राई जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं फेस वॉश करके आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो मैं फेस और हाथ वॉश करके वापस आ चुकी हूँ और देखिए मैंने सारे कपड़ों के ऊपर ये बेसन का मास्क लगा लिया, अभी चेंज करूंगी। तो वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं। मुझे तो काफ़ी स्किन ना स्मूथ बहुत लगी थी, टैन पे भी मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। तो आप भी जब वॉश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है और जो स्किन के ऊपर एक डेड लेयर थी वो उतर गई है बाजू और हाथ में। ये देखें, हाथों में मुझे ज़्यादा और बाजू में फ़र्क महसूस हुआ है चेहरे की नस्बत।
तो इसको नेचुरल रेमेडी है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, मर्द और ख्वातीन दोनों कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने घर से निकलने से पहले ना सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करना है, 50+ SPF होना चाहिए उसमें, ताकि आपकी स्किन जो है धूप की रेस से महफूज रहे। और आखिरी स्टेप आपको बताती हूँ, रोज वाटर, ये मेरे पास रोज वाटर है, किसी भी कंपनी का आप रोज वाटर ले सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर, आप वैसे भी रूटीन में इसको स्प्रिंकल किया करें, इससे मसाम भी आपके ठीक रहते हैं, बंद रहते हैं, ज़्यादा खुलते नहीं, फिर टोनर का काम भी ये करता है। तो ये लास्ट स्टेप ये है कि मैं फेस वॉश अपने चेहरे और बाजुओं पर स्प्रिंकल करूँगी, और मुझे तो ये बड़ी अच्छी रेमेडी लगी, आपने भी ट्राई करना है और बताना है कि कैसी रही, रिजल्ट्स कैसे आए, और मज़ीद रेमेडीज भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, मज़ीद वीडियोस भी शेयर करती रहूँगी। और ये बस स्प्रिंकल करेंगे और इसको अपने चेहरे पे आपने छोड़ देना है, इसको ड्राई करने की कोशिश नहीं करनी, बस हाँ फैला ज़रूर सकते हैं अपने चेहरे पर और बाजुओं पर हाथ की मदद से, और इसको आपने ऐसे करके बस इधर सही से नहीं लिया, वैसे ही गर्मियों में बड़ा सूदिंग एहसास होता है। तो मुझे तो अभी बड़ा अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों और हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।